पार्ट में अपना योगदान दिया, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, सभी सम्मानीय है। चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे पोखरण, सभी सम्मानीय। लेकिन मूर्ति हटाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि ये क्या उसके नेहरू के विचारों को ख़त्म कर देंगे? मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं ख़त्म कर सकते। तो मैं तो कह रहा हूँ अम्बेडकर के बाद अभी गोडसे की मूर्ति लगाएंगे। दूसरा दिन हमें दो तस्वीरें लगी रहती हैं, गांधी जी की और नेहरू जी की। नेहरू जी की तस्वीर की जगह अब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई गई है। अरे नहीं, अब वो विधानसभा की व्यवस्था का मामला है और नेहरू जी की भी लगनी चाहिए और डॉक्टर अम्बेडकर की लगना तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत का संविधान तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। तो विधानसभा, संसद या देश चलाने की जो बात है वो तो संविधान से ही है। संविधान जो निर्देश देता है वही होना चाहिए, लेकिन नेहरू जी की भी लगाना चाहिए। नेहरू जी की पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हमारे देश के निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। हम याद रखें, हम एक बात को याद रखें कि दो देश साथ साथ आजाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जहां जिन्ना जी प्रधानमंत्री बने थे पहले, वो तो सीधा 10 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी और आज पूरा पाकिस्तान आतंक में लिप्त है। लेकिन हिंदुस्तान और भारत, जहां पंडित नेहरू जी को लगभग 17 वर्ष के आसपास मिले थे प्रधानमंत्री के रूप में, आज पूरे विश्व में, भारत में अगर नींव है लोकतंत्र की तो वो पंडित नेहरू जी की देन है। और अगर भाजपा सरकार के द्वारा जिसके भी माध्यम से ऐसा है कि कदम उठाया गया है, जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीरें वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूं चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सबकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। और अगर उनमें से किसी का भी ऐसा अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विशेष आग्रह करूंगा प्रोटेम स्पीकर साहब से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि ऐसे हल्की राजनीति ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और देश में एक गलत संदेश जा रहा है।